नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आदिवासी कृपा हेयर ऑयल, जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे उनकी नजरों में ये तेल एक ना एक बार जरूर आया होगा और इसी को लेकर के भ्रांतियां भी खूब फैल रही हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जो असली नहीं है। हमारे साथ प्रीति राज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मसला है, असली और नकली के खेल में क्या कुछ हो रहा है। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। लगभग सभी सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनके सामने एक ना एक बार ये ऐड जरूर आ जाती है कि जो आदिवासी हेयर ऑयल है कर्नाटका की, वो बिक रही है और बाय वन गेट वन, कम दामों में, ऑनलाइन, रिटेल स्टोर, सब कुछ वो है। क्या कुछ सच्चाई है? जैसा कि हम आपसे बातचीत हुई तो उसमें ये जानकारी मिली कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए हैं जो असली है ही नहीं। जो आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था या फिर जो प्रोडक्ट की गुणवत्ताएं हैं, जो औषधीय गुण उसमें है, क्या वो उन सब प्रोडक्ट्स में है या आपके प्रोडक्ट की एक तरीके से यूं कहें तो नकल या चोरी की जा रही है? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रीति राज है सर। हम कर्नाटक मैसूर में रहने वाले हैं। कर्नाटक मैसूर के साउथ इंडियन के आदिवासी लोग हैं। ये हम खुद बनाने का तेल है सर। हम आजकल से बना रहे हैं सर। हम परंपरा, हमारा दादा परदादा और हमारा परंपरा से सालों से एक एक जड़ी बूटी भी खोज के, एक एक जड़ी बूटी से भी बनाकर टेस्ट कर लगाते लगाते आ रहे हैं सर। पहले ऐसा वाला हमारा दादा परदादा पूरा तेल बनाकर गांव की गलियों में और मंदिरों के सामने और बाजारों में ऐसे बेचते थे सर। पहले हमारी एरिया में, हमारा कर्नाटक में। तभी सर अब चलते सर अभी भी क्या हुआ सर, अभी 15-20 साल से पहले गवर्नमेंट सरकार ने हमारे को एक मेला एग्जीबिशन करके बना के दिए। एग्जीबिशन में कहाँ कहाँ, मुंबई के, दिल्ली में, कौन सी एरिया में एग्जीबिशन गवर्नमेंट मेला लगता है, उस मेले में सरकारी मेला में हमारे को कॉन्टेक्ट करके बुलवा के उस मेला में हम एडवर्टाइजमेंट के प्रचार कर रहे थे। आते आते सर अभी भी तो तीन चार सालों का पहले तभी ऑनलाइन में सेल करना कहीं पता चला सर। ऑनलाइन पे बोले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेचा तो अच्छा फायदा होएगा, प्रचार दुनिया लोग भी हमारा दिखा सकते हैं, रोज सेल भी कर सकते हैं, ऐसा प्लान करके सर ऐसे ही हमने चालू किया सर। चालू करने के बाद देख रहे थे उसका अंदर ही सर, अंदर पूरा चोर लोग आ गए सर। हमारा ही वीडियो रहता है सर, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे वीडियो रहते हैं सामने, हमारा वीडियो दिखाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, 299 399 बोल दिखा देते हैं, उसके अंदर वेबसाइट दे देते हैं। ऑर्डर किया तो दो बोतल आते हैं, 100-100 ml की दो बोतल, उसके अंदर सर पानी रहता है, पानी के अंदर कलर डाल कर भेज रहे हैं सर। मतलब जो कर्नाटक में आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, जो औषधीय गुण थे बालों को बड़ा करने के लिए या फिर जो कमजोर बाल हैं उसको ठीक करने के लिए, तो एक तरीके से ये आपकी नकल की गई है। और इसमें अगर पहचान करें जो दर्शक देख रहे हैं या फिर जो व्यूवर्स मंगाना चाहते हैं, तो क्या पहचान है असली और नकली की? अगर आप दिखाएं, जैसे ये हमारे हाथ में आदिवासी कृपा हर्बल ऑयल है, ये आपका प्रोडक्ट है? हमारा एक प्रोडक्ट है सर, हमारा एक ब्रांड है सर, आदिवासी कृपा नाम से, पूरा डॉक्यूमेंट पूरा परफेक्ट है सर। तो इसमें जो तस्वीर में जो महिलाएं या पुरुष देख रहे हैं जिनके लंबे लंबे घने बाल हैं, ये इस प्रोडक्ट का कमाल है? हाँ सर, इसी प्रोडक्ट का कमाल है सर। हम खुद बनाते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, मेरा ही फोटो रहता है सर वो, हम खुद बनाते हैं। बाल आपका बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं तो 5-6 दिनों में, लगातार 5-6 दिन लगाओ सर, 5-6 दिन में झड़ने वाले बाल खुल जाएगा गारंटी के साथ। 100% सर गारंटी के साथ है। एक बोतल 3-4 महीने लगाने का कोर्स होता है। एक बोतल 5-6 दिन में झड़ने वाले बाल रुकने का चालू हो गया तो 3-4 महीना लगा ले तो परमानेंटली लाइफ टाइम तक झड़ने वाले बाल रुक जाता है। दोबारा बाल कुछ है इसमें अगर बात करें इसके प्रोडक्ट की, जो बाल झड़ चुके हैं, गंजेपन हो चुका है, नहीं सो चुका है तो उस एरिया में नहीं आएगा। कमजोर बाल रहेगा, बारीक बारीक बाल नीति पर रहता है, कमजोर बाल, झड़ने वाले बाल, वो बारीक बालों को ज्यादा बना के उगाता है, रीग्रोथ करता है। झड़ने वाले बाल परमानेंटली रुक गए तो ऑटोमेटिक से रीग्रोथ होने का चालू हो जाता है। 1-1 महीने में 1-2 इंच बाल लंबे होने का भी चालू हो जाते हैं। एक जेंट्स के लिए बोलते हैं एक ही बोतल लगाने का एक लाइफ में,
एक वोटर 3 से 4 महीने लगा लिए तो जिंदगी भर लाइफ में बालों का समस्या नहीं आएगा। दोबारा फैमिली फ्रेंड में जाए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं उनको शौक होता है कि उनके जो बाल हैं घने हो लंबे हो, तो इस प्रोडक्ट के लिए वो आती हैं, लेकिन यदि इसके खरीदने का तरीका क्या है अगर हम बात करें अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि जब वो ऑनलाइन माध्यम से इसे खरीदने के लिए जाती है तो उनके पास सेम नाम और सेम ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर जो दर्शक कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें लेना कौन सा है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐड में देखा है या आपको वो जानते हैं, तो वो जा करके वहां पर गुमराह हो जाते हैं। तो इस जो हमारे हाथ में प्रोडक्ट है आदिवासी कृपा है हर्बल ऑयल, इसको खरीदने का क्या तरीका है? सर ये जो आदिवासी कृपा हर्बल हेयर ऑयल है ना, हमारे ब्रांड है, हम खुद बनाने का तेल है। ऑनलाइन पे कहीं पे भी मत खरीदना सर। बड़ी बात कह रहे हैं कि ऑनलाइन ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, हम बेचते ही नहीं ऑनलाइन में, हमारे को बेचने का मालूम ही नहीं है कैसे बेचना क्या करना करके ऑनलाइन पे, और छोटी छोटी बोतल बना बना कर दिखा कर दे रहे हैं। छोटी बोतल लगाने का नहीं, तेल है जड़ी बूटी का, तो कोर्स के साथ में तेल रहना लगाना है कंपलसरी। एक आदमी लगाने से ही 100% उसको फायदा मिलता है, उसको फायदा मिले तो उसके आगे हमारे को कस्टमर मिलता है। छोटी छोटी बना देते हैं, 10-15 दिन लगाए तो कोई फायदा नहीं रहता सर। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी ये तेल अवेलेबल है वो फेक है? फेक। ई कॉमर्स वेबसाइट में देखिए, आदिवासी एरो लिखिए, हजारों मिल जाएगा, लेकिन हमारा नहीं रहेगा। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, हमारा नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और स्नैपडील में, और ऐसा पूरा ऑनलाइन का है सर, पूरा फेकर होता है, हमारा नहीं है। हमारा नाम यूज कर रहे हैं, हमारा नाम यूज कर रहे हैं, हमारा नाम पूरा खराब हो रहा है, ओरिजिनल तेल भी नहीं दे रहे हैं और हमारा नाम भी खराब कर रहे हैं। अगर बात करें तो जो इस पे एक एडवर्टाइजमेंट में एक युवक दिखाई देता है लंबे बालों वाला, बकायदा वो लोगों के बीच जाता है, स्टॉल लगी रहती है, वो लोगों के बीच जाता है, लोग वहां पे चेक करते हैं कि ये बाल ओरिजिनल है या नहीं, तो वो सब एक दिखावा है, वो वीडियो हमारा रहता है सर। अच्छा, ओरिजिनल वीडियो है हमारा, आदिवासी लोगों का हमारा आदमी रहता है, वीडियो ओरिजिनल रहता है, पीछे से तेल देते हैं सर। इसलिए सर फेक तेल से सावधान रहिए सर, आदिवासी का ओरिजिनल तेल चाहिए तो हमारे थ्रू से कॉन्टेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंदर हमारा नंबर रहेगा, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, उसको पर कॉल करो, हमारे से पूछो, इंक्वायरी करो, और भी डाउट है तो वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके मेरा फेस देख के, मेरे मुंह देख के व्हाट्सएप में ऑर्डर करो, हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर रहेगा, व्हाट्सएप में ऑर्डर किया तो पूरा हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम क्या करके हमारा आपके घर तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी। ये ऑल इंडिया डिलीवरी है? ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल रहता है सर, हम पूरा बनाए हैं सर। यानी कि ऑनलाइन माध्यम पर आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पर्सनल नंबर, हाँ सर, वो मैसेज करके इसको मंगाया जा सकता है सर। ठीक है, अगर बात करें इस आदिवासी हर्बल ऑयल की, तो आपकी जो पीढ़ियां हैं लगातार वर्षों से उनके पास ये फॉर्मूला है, तो क्या वो फॉर्मूला लीक हो गया है जो ऐसे तेल बनाए जा रहे हैं? हमने किया भी नहीं सर, कौन बनाने होता भी नहीं है, क्यों वो तो दूसरी साइड में ऐसे आइटम की जड़ी बूटी नहीं मिलती है, हमारी तरफ सिर्फ मिलती है जड़ी बूटी आइटम, और फॉर्मूला बनाते बनाते अरे पूरा सीक्रेट रहता है सर। पूरा 108 की तरह का जड़ी बूटियों में 3 आइटम के नारियल तेल में, सरसों का तेल, दिल्ली का तेल, 3 आइटम के तेल में 108 तरह का जड़ी बूटी डाल के पका के निकालते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है, मतलब इसको कुछ दिनों तक स्टोर किया जाता है या फिर क्या पूरा तरीका है अगर बात करें तो? सर सूखी प्रकार की जड़ी बूटी रहते है, जड़ी बूटी का बेर भी रहता है, सूखी प्रकार की होती है, पूरा बेर पूरा निकाल कर एक मशीन में डालकर पाउडर बनाते हैं बेर को, और कच्चा आइटम का जड़ी बूटी 20-30 आइटम का रहता है, कच्चा आइटम का, वो कच्चा आइटम डायरेक्टली डालते हैं, उसको डायरेक्टली डाल के उसको पकाते हैं, पका कर हदा कर 2-3 दिन स्टॉक कर धंधा बनाकर पैक कर बेचते हैं सर। कब से इसकी शुरुआत हुई? लगभग बहुत दिनों से? बहुत दिनों सर, मिनिमम 80-100 साल होगा सर लगातार। हमारे को आदिवासी लोगों ने सर कैसे प्रचार करना, कैसे बढ़ाना, कैसे देना हो हमारे को मालूम नहीं है सर, इसके लिए अभी भी तो पता चल रहा है सर, ऐसा हमारा नाम भी बदनाम हो रहा है और कंपनी फैक्ट्री वाले ऐसा पैसा भी कर रहे हैं, तो मेरे को अभी भी पता चल रहा है सर, इसलिए तो मैं ऐसे प्रचार कर रहा सर, डायरेक्ट आके कर्नाटक मैसूर में आके सर, दिल्ली आके आप जैसे जैसे हेल्प मांग के दे रहे हैं सर। अगर बात करें कर्नाटक मैसूर की, तो वहाँ पर कई ऐसे परिवार होंगे जो इस तेल को बनाने का काम? हाँ सर, वो हमारा ही आदमी रहता है सर, हमारे ही पूरा गांव के आदमी रहते हैं, 200-300 फैमिली रहते हैं, पूरा फैमिली बनाकर बनाते हैं सर। तो आदिवासी जो ये तेल है, पूरा नाम इसका है आदिवासी, आप बता दे एक बार दर्शकों को क्या है? पूरा नाम है सर आदिवासी कृपा हर्बल हेयर ऑयल, पूरा सर्टिफाइड है सर, पहले बनाने आता नहीं था सर सर्टिफाइड, पूरा अभी पूरा सर्टिफाइड बना है,
गारंटी दे ले, सही दे ले सर। आप जैसे एक एक आदमी भी लगा के देखेंगे ना एक फैमिली में, दोबारा पूरी फैमिली के लिए दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे सर, दोबारा फैमिली के लिए ऑर्डर करेंगे। अगर आपको 5-6 दिनों में भी झड़ना वाले बाल रुकने का रिजल्ट नहीं मिला तो 7-8 दिनों में रिटर्न कर सकते हैं, पैसा रिफंड मिल जाएगा सर आप हमारे थ्रू से। मार्केट की बात करें तो 499, 599, 200 तक में बाय वन गेट वन फ्री, तो असली कीमत क्या है इसकी? इसकी एक बोतल 1500 रुपये की सर असली कीमत है सर। वहाँ कर्नाटक मैसूर से कौन सी भी दूसरी एरिया में कैश ऑन डिलीवरी भेजना हो तो 130 से 140 रुपये खर्चा होता है एक पार्सल के लिए। क्या 299, 399 में दो बोतल आ रहे हैं तो थोड़ा सोचना है सर। क्या झड़ना वाला बाल, रुकना वाला, नया बाल उगाने वाला, बाल लंबे करने वाला, क्या 200-300 में कहाँ मिलेगा सर, वो भी जड़ी बूटी वाला। यानी कि जो ओरिजिनल कीमत है ये 1500 के आसपास इसकी कीमत है, उस पे कोई ऑफर भी है क्या, बाय वन गेट वन पे भी आप दे रहे हैं क्या? नहीं सर, कहाँ पे भी ऑफर नहीं है, 1 रुपये भी डिस्काउंट नहीं है सर। सही तेल है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, फ्री डिलीवरी, डिलीवरी फ्री डिलीवरी हमारी तरफ से। तेल का दाम रहता है सर 1500। यानी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो बाय वन गेट वन भी दे रहे हैं, डिलीवरी भी उनकी फ्री है, ट्रायल भी कराकर वो दिखा देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये सब कुछ बिल्कुल फेक है। 1500 रुपये में ये कीमत है और आप इसे जो है घर बैठे भी मंगा सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो काफी प्राचीन सभ्यता कर्नाटक की रही है और जो आदिवासी समाज है ना सिर्फ तेल बल्कि कई ऐसी औषधियों बनाने में भी उनका काफी योगदान है। अब सरकार की ओर से इनको सर्टिफाइड भी कर दिया गया है और इसके अलावा जितने भी कैंप्स या रोजगार मेला हो गया या फिर बाजार मेला हो गया उनमें इनको बुलाया जाता है। बात करें अब आगे लागत इसमें आपकी क्या लगती है, कितने मेंबर टीम में शामिल है और किस तरीके से ये अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले चेकिंग होती है, सरकार उसको चेक करती है कि ये प्रोडक्ट में बिकने लायक मार्केट में है या नहीं, वो सब क्या प्रोसेस है? सर मार्केट में अभी तक आए नहीं सर, हमें डायरेक्ट तुरु तेल बनाकर दे रहे हैं। ये कोई मार्केट में बना के तेल देने के लिए कोई तेल बनाकर 5-6 महीना 7-8 महीना रख के तेल देने का नहीं, तेल बनाते रहना लगभग 3-4 महीना लगाते रहना, बनाते रहना 3-4 महीना लगाते रहना, ऐसा प्रोडक्ट हम ही बना रहे हैं, डायरेक्ट हमारे थ्रू से तेल भेज रहे हैं। मतलब सिंगल पार्टी सेल है ये, ना आप किसी दूसरे मार्केट में बीच में जो रहते हैं दुकान, दुकान में नहीं जाना है, प्रोडक्ट के सेल्समैन नहीं आएंगे, आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लोग आपको मैसेज करेंगे और उनके घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। अगर बात करें इसकी मैसूर की तो क्या वहां पर आप लोगों ने रूपरेखा बनाई है, कहां पर ये प्रोडक्ट जो है तैयार होता है, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करते हैं? यानी कि सर पहले के जमाने में सर 60-70 साल पहले पूरा जंगल में रहते थे हम, जंगल में रहके, जंगल में हमारा दादा परदादा उस जमाने में जंगल में रहके जंगल से बनाते थे। अभी सर गवर्नमेंट सरकार हमारा आ गया सर, 50-60 साल पहले सरकार ही आ गई, पूरा सरकार आने के बाद हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से घर मिले, पानी पूरा अरेंजमेंट करके दिया सर, हमारे अभी घर में ही बनाते सर, अभी ये घर पे ही बनके घर पे ही बनाते हैं, घर से ही डायरेक्ट पैक करके भेजते। अगर आप बताना चाहें कि जो औषधि इसमें लगते हैं जो अब जंगलों से लेकर के उसको लाना, वो पर्याप्त मात्रा में अभी मौजूद है, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है कि वहाँ पे? सर इंडिया में बहुत बड़ा जंगल है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, 3 स्टेट मिलकर लंबा बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत सारा आइटम का जड़ी बूटी होता है। पहचान आप कैसे कर पाते हैं उसकी? सर हमारा परंपरा से कैसे बोल बोल कर आता है सर, कौन सा डालना है, कितना कितना डालना है, कितना आइटम के कितने लीटर में कितना डालना है, वो पूरा बोल कर हमारे को समझाया सर, मेरी मम्मी मेरा पापा पूरा कंटिन्यूसली बना कर आते हैं उसे। और अगर बात करें ये दो प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं जो फेक प्रोडक्ट है, असली और नकली की पहचान अगर हम करना चाहें, आपके हाथ में असली हेयर ऑयल है और मेरे पास आदिवासी हेयर ऑयल नीलगिरी, क्या ये बताया जा रहा है कि नीलगिरी के जंगलों से औषधि ला करके, तो इसमें डिफरेंस क्या है? सर देखो 299, 399, 499 करके दिखाते ही है, दिखा के बाई वन गेट वन फ्री दिखाता है, ऐसे दो बोतल मिलता है हमारे। देखो सर ये 100-100 ml की दो बोतल होगी सर, इसके अंदर सिर्फ पानी है, पानी के अंदर कलर डाल डाल कर भेज रहे हैं। फेक तेल से सावधान रहो सर, बाय वन गेट वन, बाय वन टू वन, वो पूरा हमारा नहीं है सर, हमारा ओरिजिनल तेल है, एक बोतल आता है, 3 महीना लगाने का तेल है, 3-4 महीना लगातार चलेगा सर। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय
सिवाय इंटरप्राइजेस, फिर आरवी इंटरप्राइजेस, तो आप में क्या रहता है सर? टेलीमार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं चला रहे, घर से जो औषधि आते हैं उनका उपयोग करके किस तरीके से उनको तेल बनाया जाता है वो ये काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर अगर प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, बल्कि सरकार की ओर से जारी जो टेलीमार्क है वो आपको इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट पर मिल जाएगा। और अंत में सवाल ले लेते हैं कि किस तरीके से इसको उपयोग करना है और कितने दिनों तक लोग, अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष और महिलाएं की बात करें तो महिलाएं क्या उपयोग इसका कर पाते हैं, क्या एज लिमिट भी कोई है, बच्चों के लिए ये क्या है, क्या बच्चों के बालों पर इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं? सर इस तेल को सर इस तेल को तेल हाथों में लेने का, बाल की जड़ों में लगाने का, बालों को नहीं लगाने का, बाल की जड़ों में पूरा अच्छे से मसाज करके लगा कर अच्छे से कंघी कर सो जाने का सर, सुबह उठ के धोने का। अगर बहुत एक आदमी को सर्दी एलर्जी भी रहती है तो एक एक एरिया में ठंडी भी बहुत रहती है, रात में मत लगाइए, ठंडी के एरिया में रात में मत लगाइए, दिन में लगाइए, दिन में लगा के 2-3 घंटे बाद बाल की जड़ों में लगा कर धो दीजिए। ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाने का सर, इसको एक हफ्ते में 3 या 4 लगाने का, झड़ना वाले बाद एक हफ्ते में आपको रुक जाएगा। बच्चों बोले तो 7-8 सालों को बच्चों को लगाओ, बच्चे को लगाओ, बूढ़े 50-60 साल वाले बूढ़े भी लगा सकते हैं, लेकिन बूढ़े वाले को सफेद बाल काले नहीं रहेगा, नया बाल नहीं आएगा, लेकिन झड़ना वाले बाल 100% रुक जाएगा। कम उम्र वाले को झड़ना वाले बाल रुकवा दीजिएगा, दोबारा नया बाल भी आएगा, सफेद होने वाला स्टॉप भी हो जाएगा। यानी कि आप जो झड़ने वाले बाल हैं उसको रोकने की गारंटी ले रहे हैं, बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो घने बाल तो काले बाल इस तरीके से या जो गंजापन हो जाता है उसको भी दूर करने की गारंटी ले रहे हैं जो कि फेक है। गंजापन बोले तो सर पूरा सामने सामने के में नहीं नहीं सो जाते हैं सर, बाल की जड़ भी खत्म हो जाए, चमड़ी खत्म हो जाती है वहां, तो उस एरिया में बाल नहीं आता। जो ऊपर के एरिया में सर बारीक बाल है, कमजोर बाल है, रुई रहते पूरा बारीक बालों को झाड़ा बना के उगाते। तो इसमें कुछ औषधीय गुण है जैसे कि सर में दर्द हो, हाइपरटेंशन हो, कपाड़ी की बीमारियां भी लोगों को होती है। तेल लगाओ सर का दर्द, खुजली, डैंड्रफ पूरा हटाएगा सर, हटा के ही बाद में नया बाल आएगा, बालों को बहाने का चालू करेगा। अगर बात करें सेल की तो महीने में कितने प्रोडक्ट्स जो है आप ऑल इंडिया इसको डिलीवर कर देते हैं? सर ऑर्डर कैसे आता है सर, वैसा बनाते हैं, हमारा आदमी आदिवासी लोग है, हम ऑर्डर कैसे बोलते हैं, ऑर्डर कैसे आता है उस टाइप से हम बना बना कर बेचते रहते हैं सर। यानी कि जो फेक तेल मार्केट में आए हैं उससे कहीं ना कहीं इसकी सेल पर भी असर पड़ा, असर पड़ा है। हाँ सच में असर पड़ा है। तो साफ तौर पे हमारे साथ थे, हमने इनसे बातचीत की और ये पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से असली और नकली तेलों का जो आज कारोबार है वो बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि किस, क्योंकि आज के दौर में काले और घने बाल हर लड़कियां चाहती हैं, अगर हमारा भी बाल उड़ जाता है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन वर्षों पुरानी जो इनकी सभ्यता है, संस्कृति है और कर्नाटक मैसूर के जंगलों से जो औषधियां ये निकाल कर लाए हैं उनका फॉर्मूला इनके पास है और इनका ये परिवार ही नहीं बल्कि कई वर्षों से आजादी से पूर्व से ही ये जो कारोबार है इनका चल रहा है। तो असली और नकली के जो खेल है उसमें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी बचे, और साफ तौर पे इन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन माध्यम से इनका जो सेल है वो है ही नहीं। अंत में एक बार आप अपना नंबर दर्शकों को बता दें जिस नंबर पर दर्शक ऑर्डर करेंगे। सर हमारा मेरा नंबर है सर 7022141148, ये नंबर रहेगा सर, इसी नंबर पर और दूसरा नंबर भी रहेगा सर, उस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट करो, कॉल करो, बात करो, इंक्वायरी करके व्हाट्सएप में ऑर्डर करो, नहीं कोई डाउट होगा तो वीडियो कॉल करो, मेरा फेस देखो, मेरे देखो, मैं रहूँ तो व्हाट्सएप में एड्रेस भेजो, एड्रेस भेज दिया तो हमारे व्हाट्सएप में तो पूरा हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम आपके एड्रेस पर पैक करके आपके घर तक पहुँचा देंगे सर। साफ तौर पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका नंबर और पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।